साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट टू। यंग बॉय अर्ली एज में ही म्यूजिक को अपने लाइफ बना लिया। जब उसकी एज 3 ईयर्स की थी तो उसकी मदर उसको अपने मायके ले गई, यानी मामा के घर। तो बिस्मिल्ला खान अपने मामा को शहनाई बजाते देखते और उसके साथ प्रैक्टिस करते। उसके मामा अली बख्श विष्णु मंदिर बनारस के शहनाई प्लेयर थे, आरती के टाइम पे शहनाई बजती, उनके साथ बैठते और देखते रहते उनको। उनको देख के फिर वो प्रैक्टिस भी करते। फिर बहुत साल के बाद बालाजी और मंगला मैया का टेंपल जो गंगा नदी के किनारे बिहार में है, उनके घर पे, वहाँ जाके वो बस प्रैक्टिस करते रहते अपने मामा से इंस्पायर होके। और ऐसे ऐसे राग डेवलप किए जो आज तक किसी ने ट्राई ना किए हो, स्पेशली शहनाई के अंदर। उनकी एज जब 14 ईयर की हुई तो अंकल के साथ वो अलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। वहाँ पे उस्ताद फियाज़ खान नाम के बहुत बड़े म्यूजिशियन आए थे। उन्होंने इसका परफॉर्मेंस देखा और उसकी पीठ थपथपाई और बोला, बेटे हार्डवर्क करना तो एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाएगा। उनकी बात सच हुई जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन खुला और बिस्मिल्ला खान को एक शो मिला। वो पहले शहनाई प्लेयर थे जो रेडियो पे शहनाई बजाते थे। 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्राइस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच दी थी जहाँ पे रेड फोर्ट पे, उस कार्यक्रम की शुरुआत भी बिस्मिल्ला खान की शहनाई से हुई थी। बिस्मिल्ला खान को बहुत सारे मेमोरीज मिली है, बहुत सारे मेमोरेबल परफॉर्मेंस उन्होंने इंडिया और बाहर दिए। उनका पहला ट्रिप था ना, वो अफ़गानिस्तान का था और किंग ज़ाहिर शाह तो उसके परफॉर्मेंस से इतने खुश हो गए कि उसको एक प्राइजलेस पुरानी पर्शियन कारपेट लाखों करोड़ों रुपए जिसकी मार्केट प्राइस थी वो गिफ्ट में कर दी। और अदर सोवेनर्स, सोवेनर्स का मतलब होता है मेमोरी, उस कंट्री की चीज़ें जो हम यादगिरी के तौर पे यहाँ पे लाते हैं, मीनिंग में भी दिया हुआ है। ओके, किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन जो उससे फैसिनेट हुए थे, विजय भट्ट फिल्म डायरेक्टर थे, वो भी इतने इम्प्रेस हो गए थे बिस्मिल्ला खान को सुन के कि उन्होंने अपनी नेक्स्ट फिल्म का नाम रखा गूंज उठी शहनाई, ये मूवी का नाम था और वो सुपर हिट रही थी। और उसमें बिस्मिल्ला खान ने एक सॉन्ग कंपोज किया था, दिल का खिलौना है टूट गया, और वो नेशन वाइड चार्ट बूस्टर बना, लाइक टॉप 10 में आ गया था वो गाना। इतनी ह्यूज सक्सेस के बाद भी इस फिल्मी दुनिया में, सेलुलॉइड वर्ल्ड में बिस्मिल्ला खान ने खाली 2 ही बार म्यूज़िक दिया, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ मूवी सनदी अपन्ना। ओके, उन्होंने बोला कि भाई मैं इतना आर्टिफिशियल और ये ग्लैमर की दुनिया में फिट नहीं होता हूँ, मेरी शहनाई की दुनिया अलग है और ये मूवी की दुनिया भी अलग है। उसके बाद कभी किसी मूवी में म्यूज़िक नहीं दिया। उसके बाद तो रिकग्निशन कम थिक एंड फास्ट, थिक एंड फास्ट मतलब बहुत सारी उनको अवार्ड्स और वो सब मिलने लगे। बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में भी पार्ट लिया, कैंस आर्ट फेस्टिवल में भी पार्ट लिया, ओसाका ट्रेड फेयर में भी उनको इन्वाइट किया गया। सो इंटरनेशनली वो जाने पहचानी हस्ती बन गए और तेहरान में तो उनके नाम से एक मेमोरियल भी बनाया गया, तहर मौजिक उस्ताद बिस्मिल्ला खान, ये ऑडिटोरियम का नाम है उनके नाम से तेहरान में। नेशनल अवार्ड लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सब मिलने लगे। 2001 में बिस्मिल्ला खान को इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दैट इज भारत रत्न वो दिया गया। विद द कन्वेक्टेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, अवार्ड अपने चेस्ट पे पहने हुए, उनकी आई खुशियों से झलकती थी जो सीन रेयरली देखने को मिलता है। ऑल आई वुड लाइक टू से कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ, ये हिंदी हिंदुस्तान की सबसे अमीर धरोहर है। अरे पश्चिम वाले वेस्ट वाले लोग भी अब सीख रहे हैं, हम क्यों इनको छोड़ रहे पीछे। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब जिसको जिस नाम से उसे लोग बुलाते हैं, उसको बनारस दुमराव वो बहुत पसंद था। बोलते थे ये दुनिया में सबसे वंडरफुल टाउन है भाई। एक स्टूडेंट था उनका,